हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमके ग्लो जोन और मैं हूं आपकी होस्ट ममता। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपने एक पर्स का रिव्यू, एक हैंडबैग का रिव्यू जो कि मैंने ख़रीदा था सरोजनी नगर मार्केट से बिफोर लॉकडाउन। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी अपना जो पर्स है, मेरा जो मेरा हैंडबैग है वो है ये। तो गाइस, ये है वो बैग जो मैंने सरोजनी नगर मार्केट से लिया था। इसमें एक ये बहुत प्यारी सी हैंगिंग दी हुई है, तो अगर आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से ये ओपन हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा, ये चेन लगी रहेगी और ये अलग हो जाएगा। ओके, और इसका कलर है ग्रीन कलर। ग्रीन भी बहुत हल्का ग्रीन है, लाइट ग्रीन है। आप वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ इसको कैरी कर सकते हैं, जीन्स वगैरह अगर आप पहनते हैं तो आप इसको कैरी कर सकते हैं, कैजुअल कपड़ों के साथ इसको कैरी कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशियस है, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि आपका सामान नहीं आएगा। जितना एक लड़की को सामान चाहिए होता है, चाहे वो लंच बॉक्स हो, मेकअप हो या फिर कॉम वगैरह होगा, एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी आप रखते हैं इसमें, पर्सनल चीज़ें जो भी रखते हैं या बॉटल वगैरह, सब रखने के बाद ये बैग में फिर भी स्पेस रहेगा। ओके, क्योंकि लड़कियों को क्या आदत होती है, इस बैग के अंदर भी एक छोटा पर्स भी रखेंगे हम वाटर बॉटल भी खुद ही अपनी ले जाएंगे, हम लंच बॉक्स भी ले जाएंगे, प्लस हम स्नैक्स का बॉक्स भी रखेंगे। तो उस हिसाब से मुझे खुद ऐसी ही आदत है, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से काफ़ी बड़ा बैग लिया है। तो ये ग्रीन कलर में है, यहाँ पे इसकी टू पॉकेट्स हैं। ओके, तो ओपन करके भी मैं दिखा देती हूँ आपको ये बैग। ये देखिए, ओके, काफी स्पेस है, इसमें काफी सामान आ जाएगा। ये इसमें एक लॉन्ग इसकी स्ट्रिप दी हुई है, अगर आपको स्लिंग बैग, थोड़ा लंबा स्लिंग बैग जो भी चल रहे हैं आजकल, थोड़ा हैंग करने की आदत है, तो आप इसको अटैच कर सकती हैं और इसको आप हैंग कर सकते हैं। ओके, बाद में मैं अभी अटैच करके भी इसको दिखा दूंगी आपको। ये है, उसके साथ आपको अगर मेकअप रखने की आदत है तो आप ये सब लिपस्टिक्स वगैरह के लिए रख सकती हैं। ये पॉकेट्स छोटी छोटी दी हुई है इसके अंदर लिपस्टिक्स के लिए। यहाँ पे सेम स्पेस उसके जैसे ही, प्लस एक आपको जो स्मॉल पॉकेट है मनी वगैरह रखने के लिए, चेन्स वगैरह उसमें जो खुले पैसे जैसे होते हैं, सिक्के वगैरह, कॉइन्स वगैरह, वो सब आप उसमें रख सकते हैं। बैक साइड भी एक चेन दी हुई है, इसमें आपका मोबाइल भी आ जाएगा, इतनी बड़ी स्पेस है इसमें। ओके, तो ये है बैग, प्लस इसमें ये दी हुई है स्लिंग्स, तो ये अभी ओपन भी नहीं है, इसको मैं ओपन करती हूँ। प्रॉपर काफी अच्छी लेंथ है इसकी। ये देखो, क्योंकि ना मुझे आदत ना एक बैग ले जाते मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, तो मुझे क्या होता है कम से कम दो बैग तो हूँ, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट दो बैग तो रखो कि कभी चेंज करना हुआ, कभी मन किया चेंज करने का तो आप चेंज कर सको। तो कम से कम दो बैग आपको जरूर आपके पास होने चाहिए चेंज करने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सूट पे, अगर आपने सूट पहन रखा है, सूट के ऊपर कुछ चीज, ये देखिए इसको मैंने स्लिंग को भी हैंग कर दिया। कभी कभी मन करता है जीन्स के साथ कुछ अलग पहन के चले जाओ, कुछ अलग सा पर्स लेके चले जाओ, या फिर कभी लगता है सूट के साथ कुछ अच्छा सा ले लो। तो कम से एटलीस्ट चेंज करने के लिए दो बैग तो होने ही चाहिए। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो बहुत ही रीजनेबल है, 500 रुपए का ये मुझे मिल गया। वहां पे दो तरीके की शॉप्स होती हैं, अगर आप सरोजनी नगर मार्केट गए हैं तो, एक तो पटरी पे लगी होती है और एक अंदर मॉल्स होते हैं। तो ये मैंने शॉप से लिया है, शॉप से मुझे 500 रुपए का पड़ा, मैंने कोई पटरी से नहीं लिया। और अगर आप पटरी से लेते हैं, वहां पे जो बाहर लगी होती है मार्केट उसको पटरी बोलते हैं, उससे लेते हैं तो एटलीस्ट आपको 200 या 250 रुपए में ये आराम से बहुत अच्छे अच्छे बैग मिल जाएंगे। अगर आपका जो बजट है वो ज्यादा नहीं है तो भी आप 200-250 रुपए में बहुत अच्छा बैग परचेज कर लेंगे सरोजनी नगर से। स्पेशली सरोजनी नगर मैं अच्छा समझती हूँ सिर्फ बैग्स के लिए, क्योंकि मुझे अपने हिसाब के बैग वहां मिल जाते हैं। ओके, तो 500 का ये बैग मैंने वहां लिया था, वो भी शॉप से। और अगर आपको और अच्छा चाहिए तो, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा, और थोड़ा अच्छा पैसा लगा के लेना चाहते हैं, तो आपको इससे भी अच्छा वाला बैग वहां पे मिल जाएगा।
वहां पे अगर आप नहीं गए तो एक बार बैग परचेस करने जरूर जाइए, सैंडल बैग क्या नहीं मिलता वहां पे। पर हाँ, भीड़ बहुत होता है तो ये सोच के मत चलिएगा कि आधे घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक चीज लेने भी जा रही हैं तो एटलीस्ट आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। तो ये अपना टाइमिंग मत मान के चलिएगा कि मैं जाती हूँ जाके फटाफट बैग लेके आ जाती हूँ, ऐसा नहीं होता वहां पे। वहां पे भीड़ इतनी होती है कि आपको, और बार्गनिंग बहुत ज्यादा होती है, तो बार्गनिंग करने में अगर आप सक्षम हैं, अगर आपको अच्छे से बार्गनिंग करनी आती है तो आप बहुत सस्ता सामान ला सकते हैं वहां से। ये बैग खुद मुझे उसने 1200 रुपए का बोला था और कम करते करते 500 रुपए में दिया ये बैग। सोचिए कितना मार्जिन वो लोग रखते हैं। तो कोई इशू नहीं, मार्जिन रखते हैं, रखने दीजिए, बट आप अपने हिसाब से, आपको जैसा लगता है कि आप इतने का ही ये बैग ले सकते हैं तो आप वही रेट उनको बताइए और देखिए फिर क्या कमाल होता है, कहाँ तक वो लोग कम करते हैं। ओके गाइस, तो ये थी मेरी सरोजनी नगर मार्केट की शॉपिंग। तो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ वो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।